नमस्कार, न्यूज लैब mpcg.com में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय तिवारी। आइए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों पर। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के दौरान पंचायतों को बांटी गई ढोल मंजीरे खरीदने की राशि अब कमलनाथ सरकार वापस मांगने जा रही है। नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह का कहना है कि ये राशि हितग्राहियों तक नहीं पहुंच पा रही थी। मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार ने पिछली शिवराज सरकार का एक और फैसला पलटते हुए भजन मंडलियों को बांटा गया पैसा वापस मांगने की बात कही है। आपको बता दें कि शिवराज सरकार ने 22,824 पंचायतों को ढोल मंजीरे खरीदने का पैसा दिया था और हर पंचायत में भजन मंडलियों को 25,000 रुपए दिए थे। कलेक्टर और जिला पंचायत CEO के जरिए भजन मंडलियों को ढोल मंजीरे खरीदने के लिए 57,60,00,000 रुपए की रकम दी गई थी। नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह ने भी बयान दिया है कि राशि का सही उपयोग नहीं हो रहा था और हितग्राहियों तक राशि नहीं पहुंच पा रही थी, जिसकी वजह से सरकार ने यह फैसला लिया है। जयवर्धन ने कहा कि बीजेपी ने धर्म का ठेका नहीं ले रखा है। जयवर्धन ने बीजेपी पर 15 सालों की सरकार के दौरान एक भी गौशाला नहीं बनाने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ के व्यवहार और कॉरपोरेट पसंद के चलते माना जा रहा है कि उन्हें अंग्रेजी में कामकाज पसंद है और सूत्रों के मुताबिक मंत्रालय के अधिकारी अंग्रेजी में नोटशीट लिखने को प्राथमिकता देने लगे हैं। सीएम कमलनाथ को अंग्रेजी पसंद है, इसलिए 15 साल बाद मुख्यमंत्री सचिवालय और सभी सरकारी डिपार्टमेंट्स में अंग्रेजी में कामकाज शुरू करने के निर्देश हुए हैं। सीएम के पास भेजी जाने वाली फाइलों में अंग्रेजी में टीप लिखी जा रही है, साथ ही मंत्रियों को भी अपनी टीप अंग्रेजी में लिखने के लिए कहा जा रहा है। ऐसी चर्चा इन दिनों सियासी गलियारों में तेजी से फैल रही है। दरअसल केंद्र सरकार के मंत्रालयों में कामकाज अंग्रेजी में होता है और मुख्यमंत्री कमलनाथ लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री रहे। सीएम बनने के बाद उन्होंने IAS सर्विस मीट में भी अपना पहला भाषण अंग्रेजी में ही दिया था। हालांकि अंग्रेजी में कामकाज बढ़ने से मंत्रालय के सहायक सचिव, उप सचिव और अपर सचिव स्तर के अधिकारियों की परेशानी बढ़ गई है। उन्हें निचले स्तर पर नोटशीट हिंदी में और सीएम के पास भेजने के लिए अंग्रेजी में लिखनी पड़ रही है। सबसे ज्यादा दिक्कत मंत्रियों को हो सकती है। जानकारों का कहना है कि कमलनाथ कैबिनेट में मुश्किल 7-8 मंत्री ही ऐसे होंगे जो अंग्रेजी में लिख पढ़ सकते हैं। हालांकि इस तरह की खबरों का कांग्रेस पदाधिकारी सोशल मीडिया पर खंडन कर रहे हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी के बाद अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी ममता दीदी के कोप के शिकार हो गए हैं। शिवराज को पश्चिम बंगाल के बहराम में सभा लेने जाना था, लेकिन उनके हेलीकॉप्टर को उतरने की परमिशन ही नहीं मिली। MP के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पश्चिम बंगाल में सभा के लिए हेलीकॉप्टर उतारने की परमिशन नहीं मिली है। शिवराज 2 दिन के दौरे पर उत्तर प्रदेश पहुंचे थे और वहां से पश्चिम बंगाल में सभा का कार्यक्रम था, लेकिन हेलीकॉप्टर उतारने की परमिशन नहीं मिलने से नाराज शिवराज ने ममता बनर्जी पर लोकतंत्र का गला घोटने का आरोप लगाया है। मेरे बंगाल में 2 दिन कार्यक्रम है, लेकिन कहते हुए तकलीफ है कि बंगाल में बहरामपुर में हमारे हेलीकॉप्टर को उतरने की अनुमति नहीं दी जा रही। जो समाचार अब तक आए हैं, सभा की परमिशन अनुमति नहीं दी जा रही मैदान की। पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सभा में बाधा पैदा की गई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी के हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने दिया गया और अब हमारी सभा होने से भी रोकी जा रही है। ये केवल सभा रोकना नहीं है, लोकतंत्र का गला घोंटना है। सामान्य व्यक्ति को भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान देता है, लेकिन राजनीतिक दल, सबसे बड़ी पार्टी दुनिया की, उसके नेताओं को जनता से नहीं मिलने दिया जा रहा, उनकी आवाज दबाई जा रही, बोलने नहीं दिया जा रहा। आखिर बंगाल सरकार को, ममता दी को डर किस बात का है? मेरी अपील है लोकतंत्र का, ऐसा गला ना घोटा जाए, सबको अपनी बात रखने दी जाए और फैसला जनता को करने दिया जाए। लेकिन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, बंगाल में जीत लोकतंत्र की होगी, भारतीय जनता पार्टी की होगी, बंगाल की जनता की होगी। मां मानुष और माटी के संकल्प को लेकर आई ममता दी अब लोकतंत्र की आवाज दबा रखने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनकी कोशिश कामयाब नहीं होगी। मध्य प्रदेश में 8 फरवरी को प्रस्तावित राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है कि पूरा परिवहन का खर्चा पार्टी खुद उठाएगी, न कि सरकार। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह का कहना है कि भाजपा की तरह सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का कहना है कि भाजपा अपने हर आयोजन में सरकारी पैसे का दुरुपयोग करती थी और कांग्रेस ऐसा नहीं करेगी, इसलिए सीएम कमलनाथ के निर्देश पर फैसला किया गया है कि राहुल गांधी की सभा में लगने वाली गाड़ियों और अन्य परिवहन का पूरा खर्च कांग्रेस पार्टी उठाएगी, ना कि सरकारी खर्च पर गाड़ियां बुलवाई जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी ने एक परंपरा बना दी थी कि हर कार्यक्रम को सरकारी कार्यक्रम कर देना,
भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 सालों में करोड़ों अरबों रुपया इसी का बटाया है। कोई भी नेता आया, मुख्यमंत्री जी कहीं गए, उन्होंने कहा ये सरकारी कार्यक्रम है, और सरकारी कार्यक्रम में वो अपना राजनीति में करते थे। हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि लोग राहुल जी के प्रोग्राम में तो आए, लेकिन अपने मन से आए, अपने दिल से आए। तो लाखों के लोग ऐसे हैं जो स्वयं आना चाहते हैं, आ रहे हैं। वही नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने राहुल गांधी के दौरे के लिए भीड़ जुटाने की मशक्कत पर व्यंग किया है। भार्गव ने सभा की तैयारी के लिए शासकीय मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाया है और कहा कि राहुल गांधी की सभा में कोई भीड़ नहीं आने वाली है, इसलिए भीड़ नहीं लाने वाले कांग्रेसियों को 5,000 के जुर्माने की चेतावनी दी जा रही है। शासकीय मशीनरी का भी दुरुपयोग किया जा रहा है, और जो लक्ष्य दिया गया है 2 लाख लोगों को लाने का, ये लोग निराश है मध्य प्रदेश के चुनाव के बाद से। लोगों ने जो उम्मीद लगाई थी नई सरकार से, एक भी उम्मीद उनकी पूरी नहीं हुई। कर्ज माफी से लेके 1 रुपये का कर्ज कोई माफ नहीं हुआ। बेरोजगारों के लिए 4,000 रुपया महीना देने का वायदा किया गया था। सामाजिक सुरक्षा पेंशन ही बढ़ा के 1,000 रुपया करने का कहा गया था। अनेकों घोषणाएं की गई थी, एक भी घोषणा आज की तारीख तक 2 महीने होने जा रहे हैं पूरी नहीं हुई। और इस कारण से अपने कर्म के बल पर, उपलब्धियों के बल पर यह सरकार और कांग्रेस पार्टी लोगों के लिए नहीं ला सकती, ना लोग आएंगे जमहूरी मैदान में। और इस कारण से लक्ष्य दिए गए, ये तक कहा गया कि 5,000 रुपया जुर्माना होगा जो नहीं लाएगा। ये पहली बार ऐसा सुनने के लिए मिला है, अभूतपूर्व है। और मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह से भीड़ जोड़ने से कोई, चाहे राहुल जी की सभा हो चाहे किसी की भी सभा हो, कोई वातावरण नहीं बनता है। ये जो मैसेज देने का कोशिश कर रहे हैं लोकसभा चुनाव के पहले, इससे लोग अब भ्रमित होने वाले नहीं है। बता दें 8 फरवरी को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का MP दौरा प्रस्तावित है। कांग्रेस के सामने लोकसभा चुनाव को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने की चुनौती है और भाजपा इस बात पर नजर रखे हुए है कि इसमें कितना सरकारी खर्च होता है और कितनी भीड़ जुट पाती है। मध्य प्रदेश सरकार ने पिछली सरकार के दौरान हुए व्यापम और दूसरे घोटाले के आरोपियों को सजा दिलाने की तैयारी कर ली है। कानून मंत्री PC शर्मा का कहना है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा और आरोपी अपने लिए जेल पसंद कर लें। मध्य प्रदेश सरकार ने पिछली सरकार के दौरान हुए व्यापम और दूसरे घोटालों के आरोपियों को जेल की सजा दिलवाने की तैयारी कर ली है। कानून मंत्री PC शर्मा का कहना है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। शर्मा ने कहा कि घोटालेबाज तैयार हो जाए और अपने लिए जेल पसंद कर लें। बख्शा नहीं जाएगा, जिसने भी चाहे व्यापम का घोटाला या कोई दूसरा घोटाला, ये इनको तैयारी रखना चाहिए और अपना जेल पसंद कर लेना चाहिए। शिवराज सरकार में मंत्री रही कुसुम महदेले इन दिनों अपने ट्वीट पर लाइक नहीं मिलने से काफी दुखी नजर आ रही हैं। इस बारे में महदेले ने ट्वीट करके अपना दुख जताया है। मध्य प्रदेश सरकार की पूर्व मंत्री कुसुम महदेले भी लाइक और कमेंट के चक्कर में फंस गई हैं। कुसुम अपने ट्वीट पर लाइक और कमेंट न मिलने से निराश नजर आ रही हैं और उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि ट्विटर पर लाइक और कमेंट अच्छे विचार से नहीं बल्कि हैसियत और पद से मिलते हैं। इतना ही नहीं, महदेले ने दूसरा ट्वीट करते हुए ज्यादा ट्वीट करने वालों पर भी तंज कसा है। कुसुम ने लिखा कि बहुत लोगों को ट्वीट का इन्फेक्शन हो गया है और कहीं बीमार ना हो जाएं। मंगलवार को सनावद में मां नर्मदा जयंती की शुरुआत हुई है। ये महोत्सव अगले 8 दिनों तक चलेगा और इस दौरान रोजाना मां नर्मदा की भव्य आरती की जाएगी। सनावद में मां नर्मदा जयंती महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। ये महोत्सव 5 से 12 फरवरी के बीच मां नर्मदा के तट पर मनाया जाएगा। इस दौरान हर रोज शाम के समय 108 दीपों से मां नर्मदा की आरती की जाएगी। आरती के बाद महाप्रसादी भी भक्तों के बीच बांटी जाएगी। इसके अलावा 12 फरवरी को 351 लीटर दूध से नर्मदा जी का अभिषेक किया जाएगा और हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे। कार्यक्रम के आखिरी दिन विशाल भंडारे के साथ कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। इस दौरान हजारों की संख्या में भक्तों के पहुंचने की उम्मीद है, जिसके लिए प्रशासन ने इंतजाम कर लिए हैं। हरदा का रहटगांव बाजार इन दिनों ग्राहकों की कमी से जूझ रहा है। पास ही के काजल गांव में लगने वाले मेले से रहटगांव मेले में ग्राहक आने बंद हो गए हैं। अंग्रेजों के समय से लगने वाला रहटगांव हाट बाजार अब लड़खड़ाने लगा है। व्यापारियों के चेहरे पर भी मायूसी नजर आने लगी है, क्योंकि अब पहले जैसे वनाचल क्षेत्र से ग्राहक बाजार नहीं पहुंच रहे। दरअसल अब क्षेत्र के काजल गांव में ही रविवार के दिन बाजार लगने लगा है, जिससे वनाचल से आने वाले ग्राहक काजल से ही अपनी जरूरतों की चीजें खरीद लेते हैं। वहीं इस मामले पर रहटगांव व्यापारी मंडल ने तहसीलदार को ज्ञापन देकर काजल में लगने वाले मेले का दिन बदलने की मांग की थी, ताकि रहटगांव के मेले में भी ग्राहक आ सकें। पर अभी तक प्रशासन ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, और अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो जल्द ही सालों पुराना बाजार बंद करना होगा। मैं तो जाता नहीं हूँ काजल ना कोई बाजार, तो मेरे को इस बारे में नॉलेज नहीं है ज्यादा। बाकी कुछ लोग व्यापारी बताते हैं कि इसके बाजार के लगने से रहटगांव बाजार में थोड़ी कमी आई। आपके व्यापार पर कितना असर पड़ा? करीब 20% समझ लिया, 20% का असर पड़ा।
जो लोकल जो दुकान लगाते हैं तंबुओं में, उन लोग को ज़्यादा फर्क पड़ा। हिस्सा ही दुकान है चूँकि आपकी, तो आपको तो खासा असर पड़ा होगा। अमरवाड़ा में मंगलवार को यातायात सुरक्षा जन जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ किया गया और इस दौरान रैली निकालकर लोगों को यातायात के नियमों की जानकारी दी गई। यातायात सुरक्षा और जन जागरूकता को लेकर अमरवाड़ा में मंगलवार को यातायात सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की गई। इस दौरान अनुविभागीय अधिकारी मधुवन राव धुर्वे ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। रैली बस स्टैंड और शासकीय कार्यालय से होते हुए वापस थाना प्रांगण पहुंची। इस दौरान अमरवाड़ा अनुविभागीय अधिकारी मधुवन राव धुर्वे, पुलिस अधिकारी अशोक घनघोरिया, थाना निरीक्षक गोपाल सिंह जगेत ने जगह जगह पर राहगीरों को रोक कर यातायात सुरक्षा के नियम बताए और सभी से वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात न करने की अपील की। साथ ही लोगों को कई और नियमों से अवगत कराया। इस रैली में अमरवाड़ा के कई गणमान्य नागरिक शामिल हुए और रैली को सफल बनाया। एवं वाहन सतर्कता पूर्वक चलाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश शासन की मंशानुसार जन जागृति हो, हेलमेट धारण करके वाहन चलाएं, तीन सवारियां ना बैठा लें, सीट बेल्ट लगाएं, शराब पीकर वाहन ना चलाएं। इस संबंध में क्या है, सामने वाले को भी बचे और स्वयं भी बचे, सबकी सुरक्षा की दृष्टि को रखते हुए हर सप्ताह एक प्रोग्राम है, पर डे के अलग अलग कार्यक्रम कल बच्चों के लिए है। इस तरीके से पर डे जन जागृति पैदा करना है सड़क सुरक्षा एवं जान माल की सुरक्षा के संबंध। गंजबासौदा में बदमाशों ने भरे बाजार एक सराफा व्यापारी को गोली मार दी और गोली मारने के बाद बदमाश व्यापारी से गहने लूट कर ले गए। प्रदेश में बदमाशों के हौसले इन दिनों कितने बुलंद हैं, इसका ताजा उदाहरण गंजबासौदा के घटेरा गांव में देखने को मिला, जहां एक सराफा व्यापारी को भरे बाजार में बदमाशों ने गोली मार दी और व्यापारी के गहने लेकर फरार हो गए। घायल व्यापारी को गंजबासौदा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि व्यापारी साप्ताहिक हाट से अपने घर वापस लौट रहा था, इसी दौरान बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। वहीं घटना को लेकर गांव के लोगों में खासा आक्रोश है, जिसको देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। विदिशा जिले के एक नजदीक ग्राम डावर में सरकारी स्कूल के बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर गहरे कुएं से पीने के लिए पानी लाते हैं। कुएं में कोई मुंडेर भी नहीं है और कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। सरकारी स्कूलों की दुर्दशा पर कई बार खबरें बन चुकी हैं और हर सरकार में सरकारी स्कूलों की दुर्दशा सुधारने के दावे किए जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई सुधार नजर नहीं आया है। खासतौर पर ग्रामीण इलाकों के स्कूलों का तो लगता है भगवान ही मालिक है। बात हो रही है विदिशा के ग्राम डावर के सरकारी स्कूल की, जहां पर पीने के पानी का कोई इंतजाम नहीं है और बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर एक खतरनाक टूटे हुए कुएं से पीने का पानी लाने को मजबूर है। इस कुएं में कोई मुंडेर नहीं है और यह काफी गहरा बताया जाता है, ऐसे में कभी भी दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। वहीं जब इस बारे में स्कूल के हेडमास्टर से सवाल किया गया तो उन्होंने बड़े आराम से कहा कि स्कूल का हैंडपंप खराब है। मजे की बात यह है कि हैंडमास्टर साहब ने हैंडपंप सुधरवाने के लिए कोई कोशिश भी नहीं की है। ऐसे में अगर किसी दिन कोई दुर्घटना होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये हैंडमास्टर साहब भी नहीं बता पाएंगे। पानी व्यवस्था हैंडपंप लगा हुआ है तो हैंडपंप खराब हो गया है, क्योंकि ये सिंचाई की वजह से ये पंप हैंडपंप का पानी स्तर जल स्तर चला गया है। क्योंकि इसलिए नहीं कर किया क्योंकि वो जल स्तर यहाँ का जो सिंचाई होता है कुआं का, तो वो पिछले साल भी चला गया था और इसमें पिछले साल मैंने उसमें बुलवा कर पीएचई विभाग से उन पे जो लाइन है उन जुड़वाया था, इसलिए मैंने इस बार शिकायत नहीं किया। महेश्वर में निमाड उत्सव की रंगारंग शुरुआत हुई और इस दौरान गायक उदित नारायण के गीतों ने समा बांध दिया। पर्यटन की नगरी कहे जाने वाले महेश्वर में सोमवार को निमाड़ उत्सव की शुरुआत हुई। इस दौरान प्रदेश की संस्कृति और चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो कार्यक्रम का शुभारंभ करने पहुंची। कार्यक्रम में साधो ने कहा कि निमाड़ उत्सव को और भव्य रूप देंगे। साथ ही कार्यक्रम में कई जाने माने कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से सभी का दिल जीत लिया। तीन दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में कई तरह की प्रतियोगिताएं रखी जाएंगी और देश के कई राज्यों की झलकियां भी देखने को मिलेंगी। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।